यशोमती मैया के नंदलाला। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है, मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। यशोदा देवी भैया उसे मत छुओ। क्यों? अरे तुम्हारे छूने से कहीं उस तरकारी का वृक्ष यहीं उग गया तो? मैया ने इतना सब छुआ है, यदि सारी तरकारियां उग गई तो हमारा घर तो वन बन जाएगा बाबा। हाँ तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा अरे देख क्या रहे हो, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा बिछा बिछा बिछा। अरे पधारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना आप भोजन ना बनाएंगी, आपको तो भोग लगेगो और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। फिर बताती हो तुम। फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? वो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कब दर्शन देंगे प्रभु, कब आएंगे आप? जानता हूँ तुम सबको किसने भेजा है, जाकर वृंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु, वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको।
प्रभु, आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास, मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में समाप्त कर दो। हे नारायण, छे छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ ये है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई? धन्यवाद गौ मैया। जी देखो नंदराज, आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनो दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है, सभी घरों का सारा चारा खा गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रस्सियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे खाना ने करो है। हाँ नहीं तो नाना जीजी, कान्हा ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगतो है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना, रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी, ना मुझे लगतो है जे किसी नटखट की शरारत है, पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जे हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी जे ही सोच रही हूँ। अवश्य गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रहे होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गैयाओं से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं गैयाओं की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है, अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गयो। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जानो होगो और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजनो होगो, और ये कार्य हमें आज ही करनो है। योजना सफल हो गई, विंदा देवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधूली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको। सब तैयार है? हाँ, हम सब तैयार हैं नंदराज। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? गैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना,
तू कहीं ना जा रहा है? ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ इन सबसे अनभिज्ञ हैं हम। मेरा लल्ला, तू चिंता मत कर, तेरी मैया तो है ना, मैं तो तुझसे सदैव उतना ही प्रेम करूंगी जैसे आकाश अंतहीन होता है ना, वैसे ही तेरी मैया का प्रेम तेरे लिए अंतहीन है, अथाह है। आप सही कह रही हो मैया। वैसे एक सत्य ये भी है कि इस संसार की हर मैया की संतान में तू और हर जननी है मेरी मैया। आना छोड़ो, मुझे ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाऊ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है? मुझे नहीं पता। बताओ ना दाऊ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है, बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। दाऊ का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें मनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा, स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। बधाई दे दी तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे कर दो? शुक्रिया मेरी ओर से, ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही ना आयो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आयो। अब तो मुझसे क्रोधित ना हो ना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए थे मुझे, मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम वन जाने से पहले दे सकते थे ना। भूल हो गई दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान्हा को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है राव, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है। गौचानन के लिए जानो है कि ना?
पिछले वर्ष से ही देख रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। सभी गोपी काकियाँ अपने अपने पुत्रों पर कुछ अधिक ही ध्यान देने लगी है। कान्हा के व्यवहार में भी कुछ तो परिवर्तन है, यहाँ तक कि गायों का व्यवहार भी अपने बछड़ों के लिए पहले से अलग हो गया है। अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है कान्हा, उससे पूछना होगा। क्या हुआ, इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा और गैया को ऐसा रखा है मैंने। नहीं नहीं, हमने, हम सब ने प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया पछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो। चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी, आगे से ध्यान रखियो। कान्हा तुम्हें क्या लगता है, अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या? जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना तो ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे, प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओ और बछड़ों का हस्ताद ले लिया, उन्हें उनकी माँ से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो क्या सुनाना है सिशब? तुमने ये सब क्यों किया कान्हा? ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मा जी के कारण। हाँ दाऊ, नील के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले एक वर्ष से वो सब यहीं हैं। एक वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के एक वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले एक वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं। पहचानने से भी मना, प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले एक वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं, वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं है, पर एक वर्ष के लिए इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात
प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.